हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा श्यामो कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है एक पनीर की रेसिपी। वो है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर लबाबदार, जो हम घर पे तैयार करेंगे और वो उसका स्वाद बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे ही होगा। चलिए फ्रेंड, बनाते हैं अपना पनीर लबाबदार। हमने तेल लिया है कढ़ाई में 2 चम्मच। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हम अपना डालेंगे जीरा। जीरा भुन जाए तो इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में हम डाल रहे हैं 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी और 3 बड़ी इलायची और 3 हरी इलायची और 2 लौंग। इनको हम भून लेंगे। अभी मसाले भून चुके हैं तो अब इसमें हम एक इसमें हमने बड़ा प्याज डाला है स्लाइस करके, इसको भून लेंगे ब्राउन होने तक। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना 1 इंच के बराबर हमने अदरक लिया है और 3-4 लहसुन की कलियां इनको काट लिए हैं वो डाल देंगे। इनको भी भून लेंगे इनके साथ साथ। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अपना, हमने 2 हरी मिर्च ली है उनको बारीक बारीक काटा है वो भी डालेंगे। हमारे प्याज हल्के हल्के भुन चुके हैं, ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे अपना 2 कटके मीडियम साइज टमाटर डालेंगे और इंडिया ली है हमने धनिये की डाल लेते हैं और सबको मिक्स कर लेते हैं। टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं कलर के लिए। जब तक हमारे टमाटर पकते हैं तब तक हम अपने दूसरे पैन में अपना पनीर फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा मसालों के साथ। ये हमने 300 ग्राम पनीर लिया है और उसको ट्रायंगल शेप में काट लिया है। आप कोई सी भी शेप में काट सकते हैं। पैन में 1 चम्मच तेल लिया है। इसके बाद हम डाल देंगे अपना पनीर कटा हुआ। और एक फ्लेवर भी आए पनीर के अंदर। बस हमारा ये तैयार हो चुके हैं, इसे ज्यादा नहीं पकाना है नहीं तो पनीर टाइट हो जाएगा। अब हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से सब गल चुके हैं। अब इनको निकाल के हम ठंडा कर लेते हैं।
हमारा मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसको मिक्सी कर लेते हैं। मिक्सी करने से पहले हम इसमें से तेज पत्ते के पत्ते और दालचीनी का पीस निकाल देंगे, क्योंकि वो दोनों हार्ड होते हैं, पीसने में मोटा पीसेंगे फिर वो, तो इसलिए हम निकाल लेंगे उनको। और ये 2 चम्मच हमने खरबूजे के बीज लिए थे, इनको भिगो के रखा है। आप इसके साथ काजू भी भिगो सकते हैं, 15-20 काजू भी भिगो सकते हैं, उन दोनों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अगर काजू नहीं है तो केवल खरबूजे के बीज से भी काम चल सकता है। ये हमारे ग्रेवी को एक रिच फ्लेवर देगा और गाढ़ा टेक्सचर देगा, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। अब इन दोनों को पीस लेते हैं, ग्रेवी हमने छान के ले ली है और ये हमारी एक स्मूथ ग्रेवी मिली है छानने के बाद। अब हम अपना पनीर तैयार कर लेते हैं, पनीर लबाबदार। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले लिया था, ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम अपना इसमें जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा लेंगे हम इसमें। जीरा अच्छे से भुन जाए, मीडियम साइज का ओनियन ले रहे हैं बारीक बारीक काट के। इसको भून लेंगे अच्छे से प्याज को हम। हल्का सा इनको ब्राउन करना है। प्याज हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। इसको भी भूनेंगे जब तक इसका कच्चा पन नहीं निकल जाता। लहसुन अदरक का पेस्ट पक चुका है, अब हम इसमें डालने जा रहे हैं। हमने 2 टमाटर बड़े उनको मिक्सी करके प्यूरी बना के लिया है। आप चाहें तो टमाटर को बारीक बारीक चॉप करके भी यूज कर सकते हैं। मैंने ग्रेवी फॉर्म में लिया है, 2 टमाटर लिए हैं बड़े वाले, उनको भून लेंगे अच्छे से। तेल से अलग नहीं हो जाते। अब इसी टाइम हम इसमें अपना 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी डाल रहे हैं। 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं और 1 टीस्पून इसमें डाल रहे हैं धनिया पाउडर। लबाबदार एक बनाने में जितना टाइम लगता है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। अब टमाटरों ने तेल छोड़ चुके हैं, अब इसमें हम 1/2 कटी हुई शिमला मिर्च डाल रहे हैं बारीक बारीक कटी हुई, क्योंकि पनीर लबाबदार में शिमला मिर्च जरूर जाती है, तो इसलिए हम 1/2 शिमला मिर्च यूज कर रहे हैं इसमें। इसको भी थोड़ा थोड़ा मसालों के साथ भून लेंगे। आज जो हमने ग्रेवी तैयार की थी सब मसालों की, वो डाल देते हैं हम इसमें। और इसको सब मसालों के साथ मिक्स करके इसको कम से कम हम 10-15 मिनट पकाएंगे।
उसी टाइम इसमें हम थोड़ा सा 1/4 के बराबर हम इसमें डाल रहे हैं बटर। बटर का टेस्ट बहुत अच्छा जाता है पनीर के अंदर। अब इसमें हम खट्टी मीठे को बैलेंस करने के लिए 1 टीस्पून शुगर डाल रहे हैं। अपनी ग्रेवी को चला लेते हैं और अब इस टाइम फ्राई किए हुए पनीर डाल देते हैं इसमें। डालने के बाद केवल हमें उसको 1 मिनट पकाएंगे। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं आप इसमें। देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है हमारी, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बनी है, रिच लग रही है बिल्कुल। इसी टाइम हम इसमें डाल देते हैं अपना 1 चम्मच क्रीम, फ्रेश क्रीम। और 1/2 टीस्पून 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून इसमें डालना है कसूरी मेथी और सबको मिक्स कर देते हैं। हरा धनिया डाल देते हैं अपना। फ्रेंड्स हमारा पनीर लबाबदार पनीर बनके तैयार हो चुका है, अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी पनीर लबाबदार बनके पूरी तरह तैयार हो चुका है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे स्टाइल से तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर